नमस्कार, मैं हूं हर्षिता ठाकुर। मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर तत्काल पहुंचे आप तक। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा खराब हो चुकी फसलों का सर्वे कराने एवं उचित मुआवजा किसानों को दिलाने आज तहसीलदार पथरिया आलोक जैन के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया एवं जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि बिन मौसम हुई बरसात की वजह से क्षेत्र में ज़्यादातर फसलें खराब हो चुकी है। किसानों की लागत भी फसलों में निकलने वाली नहीं है, जिनका जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए एवं कृषि उपज मंडी में किसानों से मुद्दत के नाम पर व्यापारियों द्वारा जो अवैध वसूली की जाती है उसे भी तत्काल बंद किया जाए। अभी जो 17-18 तारीख में अधिक ज्यादा ठंड पड़ने के कारण जो किसानों का नुकसान हुआ है, पाला पड़ा है, मसूर चना राहर जो अंगोनी बोनी थी, चना मसूर की, और जो किसानों की जो मुद्दत कटती है उस विषय में भी साफ से बात हुई है। किसानों की मुद्दत ना कटे, उनको कैश पेमेंट किया जाए, और जो अभी वर्षा हुई है उसके कारण भी किसानों को नुकसान हुआ है, इस विषय में तहसीलदार साहब मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया।